नज़र न लगे खुदा की इन रहमतों को, इन नेमतों को, इन बरकतों को और इन तजल्लियों को जो एक वक्त बाद इंतज़ार किया गया तकरीबन 800 दिन का और उसके बाद फिर से रौनकें लौटी हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो इस मुकद्दस महीने की अब हालांकि बहुत तेज़ी से रुखसती है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने इंतज़ार किया इन दस्तरखानों का जिनको आज सजा रखा है, जिनकी आज खूबसूरती को बुलंद बाला ये वक्त कर रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन तमाम लोगों की दिल की जो आज इस वक्त बैठ करके एक ही जगह एक ही साथ इसी शाही जामा मस्जिद में इफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम। आप सबका मैं शाही जामा मस्जिद से इस्तकबाल करता हूँ। आइए दिखाऊँ आपको कुछ दिलकश मनाजिर जिनको देखने के लिए ये निगाहें तरस गई थी, और आज फिर वो वक्त आया है कि जब आप उन तस्वीरों को मुलाहिजा करें। जामा मस्जिद दिल्ली में काफ़ी तादाद में जो हैं वो लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं यहाँ रोज़ा खोलने के लिए और नमाज अदा करने के लिए, और दिल्ली की कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो रोज़ यहाँ आती हैं और यहीं रोज़ा खोलती हैं और नमाज भी अदा करती हैं, और दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं वहाँ से लोग भी यहाँ पर आते हैं और रोज़ा खोलते हैं। मैं कल ही एक साहब से मिला, वो मेरठ से जो है वो रोज़ यहाँ आते हैं और यहीं रोज़ा खोलते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बाकी हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ की रौनक देखने के लिए, अपनी तार जो है वो लेकर आते हैं यहाँ पे, दूसरे लोगों को भी जो है वो शामिल करते हैं और यहाँ रोज़ा खोलते हैं। और ये जो दस्तरखान का जो एहतमाम आप देख रहे हैं ये सदियों से जो है वो चला आ रहा है, और इसमें दिल्ली के लोग भी जो हैं वो शामिल हैं, और जामा मस्जिद दिल्ली की तरफ से भी पूरे महीने जो है वो दस्तरखान लगाया जाता है। और मैं जैसे कि नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा था, तो इफ्तारी जैसे नहीं लेकर आते तो वो इन दस्तरखान में जो है वो दूसरे लोगों के साथ शामिल होके वो यहाँ रोज़ा खोलते हैं और यहाँ की रौनक जो है वो देखते हैं। एक तरफ तो नफरत है और एक तरफ गंगा जमुना तहजीब है, तो उसकी मिसाल जो है वो ये आपके सामने है। और अब इफ्तार का वक्त जो है वो करीब है, और अभी जो है वो झंडी दिखाई जाएगी, फिर गोला जो है वो छूटेगा, और जैसी गोला छूटेगा तो लाइट्स भी जो हैं वो सारी ऑन कर दी जाएंगी। आए चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। जामा मस्जिद को जिस खूबसूरती के साथ इन लाइटों से रोशन किया गया है, इसको सजाया और संवारा गया है, आज दूर दूर से लोग इसकी तस्वीरें लेने आ रहे हैं। सूरज के गुरूब होते ही जैसे ही इफ्तार किया जाता है, जामा मस्जिद की इन गुंबद और मीनारों की जो लाइटें हैं उनको रोशन किया जाता है। जिन खूबसूरत मनाजिर का, उन तस्वीरों का, शाही जामा मस्जिद का आपने मुलाहिजा किया, और ये पहली बार जो लाइट्स लगाई गई हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौजूदा नायब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी। आपका हिंदुस्तान लाइव पर खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया शाबान साहब, ये पहली बार देखा गया है कि इन मीनारों को,
इन गुंबदों को रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में इन रिफ्लेक्टर ऑटोमेटिक एलईडी लाइट से सजाया गया है, क्या आपका कहना है? और दूसरी बात जो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, अपने सामईन को, अपने दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि दो साल जो कोविड के गुजरे और उसके बाद अब जब हालात कुछ काबू में आए, तो पहले और अब का जो हम देख रहे हैं वो किस तरीके के सिचुएशन में तब्दीली और फ़र्क नज़र आया है? देखिए, जहाँ तक लाइट्स की बात है, फर्स्ट टाइम जो है वो एलईडी लाइट्स जो हैं, जितनी भी लाइट्स आप देख रहे हैं वो सारी एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। पहले जो है वो बल्ब हुआ करते थे, ये फेसिंग और मीनार पे बल्ब हुआ करते थे और वो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे कंपेयरिंग जो हमने एलईडी अब लगवाई हैं। हुमायूं टॉम हो गया या और सारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, गुरुद्वारा बंगला साहिब हो गया, और यहीं की बात करें तो रेड फोर्ट हो गया, और लोगों की भी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ लाइटनिंग की जाए, उन मॉन्यूमेंट्स में भी लाइटनिंग हुई भी है, और तो फिर ये मशवरा हुआ कि यहाँ पे जो है वो लाइटनिंग करी जाए। वो नॉर्मल बल्ब्स हुआ करते थे जहाँ मस्जिद की पेटिंग पे, वो तो हमने हटवा दिए हैं, लेकिन मीनार पे हमने वो प्रोविज़न रखा है। उसका रीज़न ये है, जब रोज़ा खोलने का वक्त होता है तो और जब गोला छूटता है तो वो बल्ब जो हैं वो जला दिए जाते हैं और वो 5 मिनट बाद बंद भी हो जाते हैं, और क्योंकि जो जहाँ तक गोलों की आवाज़ नहीं जाती तो वो लोग अपनी छत से उनको इंडिकेशन मिलता है कि अब रोज़ा खोलने का वक्त हो गया, अब हम रोज़ा खोल सकते हैं। फजर से पहले जो है ये नॉर्मल बल्ब जो हैं वो 1 घंटे पहले जला दिए जाते हैं, और जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला होता है उससे 5 मिनट पहले वो बल्ब बंद कर दिए जाते हैं, उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि सहरी का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो प्रोविज़न भी हमने रखा हुआ। और ये जो बल्ब का जो मैंने अभी सिलसिला बताया आपको, और ये बरसों से जो है वो ये चला आ रहा है। देखिए, इस साल लोगों को खुशी तो बहुत है, और लोग जो है मसाजिद में भी आ रहे हैं, तरावियाँ भी हो रही हैं, और जामा मस्जिद की बात करें तो यहाँ तो पूरी जामा मस्जिद पूरी पैक रहती है, और इफ्तार जो है वो अपना अपना लेकर आते हैं और वो यहाँ करते हैं। और पिछले 2 साल से जैसा कि आप भी जानते हैं, लोग मसाजिद में भी नहीं जा सके, तरावियाँ भी नहीं हुई, और जो बरकत तो देखिए रमज़ान की बरकत तो अपनी जगह है, लेकिन जो रौनक रमज़ान में होती है वो इन 2 सालों में नहीं थी, तो लोगों को खुशी है इस बात की। बिल्कुल, यही दुआ गो हैं हम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से कि खुशियों के साथ ये दिन, ये इबादत की रातें ऐसे ही गुजरें, और उसके अलावा जैसे कह रहे हैं नायब शाही इमाम शाबान बुखारी कि लोग तरसते थे, तड़पते थे उस वक्त में जब यहाँ इस शाही जामा मस्जिद में आने के लिए, यहाँ सजदा रेज होने के लिए एहसास होता था कि मस्जिद के दरवाजे बंद हैं। तरावी ख़त्म होती हैं 10 बजे तक ख़त्म हो, तो तब तक अभी बंद हो रही हैं, लेकिन अभी हम मशवरा करेंगे, हो सकता है कि आम दिनों में भी हम मगरिब से ईशा तक जो है ये लाइटें ऑन, पूरे 11 महीने इसी तरह से रोशन किया जाए, मस्जिद को यूं ही दुल्हन की तरह से सजाए रखा जाए, और ऐसे ही यहाँ के जो दर दीवार हैं, जो गुंबद और मीनार हैं, वो यूं ही रोशन रहें, यूं ही चमकते और दमकते रहें। मुग़ल दौर में जो है गोले वो तोप से छोड़े जाते थे, उसकी आवाज़ से ही लोग जो है वो रोज़ा जो है वो खोला करते थे। अंग्रेज़ों का दौर जब आया तो उसके बाद से सिर्फ गोले जो है वो छोड़े जाने लगे। अब जो है वो आप कह सकते हैं एक फायर क्रैकर है, उसकी आवाज़ उसके कंपेयरिंग तो वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये है जाम मस्जिद के अराउंड वो लोगों को जो है वो सुनाई दे जाती है, और वो अपना रोज़ा जो है वो खोलते हैं, और वो रिवायत आज की तारीख में भी कायम है। मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में जब मस्जिद बनकर के तैयार हुई तो सबसे पहले शाही इमाम हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी, उनके बाद मौलाना सैयद अब्दुल शकूर शाह बुखारी, फिर तीसरे इमाम सैयद अब्दुल रहीम शाह बुखारी, चौथे सैयद अब्दुल गफूर शाह सानी बुखारी, पांचवें सैयद अब्दुल रहमान शाह बुखारी, फिर उनके बाद सैयद अब्दुल करीम शाह बुखारी,
साथ में शाही इमाम सैयद मीर जीवन शाह बुखारी, आठवें शाही इमाम सैयद मीर अहमद अली शाह बुखारी, नवे इमाम सैयद मोहम्मद शाह बुखारी, दसवें इमाम हज़रत मौलाना सैयद अहमद, ग्यारहवें इमाम मौलाना सैयद हमीद, बारहवें इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी, तेरहवें इमाम मौजूदा शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी, जिनके फर्जंद चौदहवें शाही इमाम सैयद शाहबान बुखारी हैं। इनका कारनेशन सेरेमनी यानी जो ताजपोशी की गई है वो साल 2014 में की गई है। शाहजहां का ये नायाब कीमती और वो तोहफा जिसको मस्जिद जहनुमा के नाम से पहले जाना जाता था, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज जिसको पूरा आलम शाही जामा मस्जिद के नाम से जानता है उसका नाम मस्जिद जहनुमा था। शाहजहां की विरासत में से एक और हिंदुस्तान की ये वो धरोहर जो आज इस मुल्क हिंदुस्तान का भारत का ताज है। मुगल दौर की इस विरासत को शाहजहां ने तकरीबन 10 साल के वक्फे में मुकम्मल बना करके तैयार किया था और आज ये वही इमारत जिसको लगभग 400 साल मुकम्मल होने को है उसी तरह से बदस्तूर खड़ी है। मुझे यकीन है कि इसको बनाने वाले उस वक्त ज़रूर फरिश्ते रहे होंगे, नहीं तो आज के दौर में इसके बराबर की कोई एक मेहराब तो बना करके दिखा दे ज़रा। ये मीनारे, ये गुंबद, मुकब्बिर और मेहराबे आज जिस तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वो भी अपने आप में बात खूब है। क्योंकि अब रमज़ानुल मुबारक का महीना रुखसती पर है और शाही जामा मस्जिद को जिस तरह से सजाया और संवारा गया है, जो इसके आसपास अंधेरा रहा करता था, आज कम से कम इन नए जमाने की LED लाइट्स ने, जिनके साथ रिफ्लेक्टर्स और मॉडर्न्स लगे हुए हैं, कम से कम आज इनकी इन मेहराबों को, गुंबदों को, मीनारों को, मुकब्बिरों को खूबसूरत कर दिया, आज रोशनी से नहला दिया, आज इसको रोशन कर दिया। यहाँ से 5 वक्त वही सदाएं अल्लाहु अकबर की जिस तरह आती हैं और लाखों लोग यहाँ आकर के सजदा रेज होते हैं, महज 10 लाख रुपए में 10 साल के अंदर बनकर तैयार हुई इस जामा मस्जिद में, जैसा होता था आज भी वैसा ही होता आ रहा है। बहुत से मौसम और हालात देखे हैं इसी जामा मस्जिद ने, इन मीनारों ने, इन गुंबदों ने, इस सहन ने, इन मेहराबों ने बहुत वक्त देखे, बहुत मौसम देखे, बहुत दौर देखे। मस्जिद की अपनी आन बान और इसकी शान अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, जहाँ तकरीबन 25,000 से 30,000 लोग आकर के बरवक्त अल्लाह अज़्ज़ो वजल की, उसकी बंदगानी, उसकी इबादत कर सकते हैं और सजदा रेज होते हैं। मुल्क हिंदुस्तान की शाहजहां को दी गई तमाम विरासतों में से ये एक वो है कि जिसकी कदरदानी बुखारी ख़ानदान, पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को मुंतखब किया गया था मुग़ल बादशाह के ज़रिए, उस वक्त से लेकर आज तक यही ख़ानदान इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता आ रहा है। एक दौर वो था कि जब रोशनी की बहुत कमी थी, उस वक्त में शाही जामा मस्जिद की मीनारों को रोशन किया जाता था, इसकी मीनारें देख करके लोग सहरी किया करते थे और उसके बाद फिर शाम को सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तार किया करते थे, जो आज भी बदस्तूर हस्ब मामूल जारी है। पूरे दिल्ली शहर की अगर बात करूं तो जगमगाता हुआ शहर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बिल्कुल बीचों बीच इन मीनारों को, इन गुंबदों को, इस सहन को, इन दर दीवारों को, इन मुकब्बिर और मेहराबों को आप रोशन देख रहे हैं। और यही दुआ हम सब करते हैं कि जामा मस्जिद इसी तरह से अपना जो वक़ार है, जो इसकी सरबुलंदी है, जो इसका अपना अस्तित्व है, वो बरकरार रहे। चौदहवीं रात में फैली हुई चांद की रोशनी और लगता है मानो कि चांद चूमना चाहता है जामा मस्जिद के इन गुंबद और मीनारों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले कभी देखा होगा जामा मस्जिद को शहर के बीचों बीच इस तरह से खूबसूरती में चमकते हुए और रोशनी से नहाए हुए। आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ।